दिल्ली के वसंत कुंज में एक आईवी द आइसलैंड बार करके एक जगह है, होटल है, वहाँ पे एक मैडम गई तो उनको रोक दिया कि आपने एक इंडियन एथनिक कपड़ा पहना है और उस कपड़े में एंट्री अलाउड नहीं है। आप ये वीडियो देख सकते हैं। You just said that no ethnic wear. No, ethnic is something that we do. You don't allow, right? You don't allow ethnic wear. You have, you're a restaurant and a bar in India, in Delhi, but you don't allow ethnic wear in your place. Yes? That's all I want to know. Thank you very much. All right. ये वीडियो हर जगह वायरल हो रही थी, लेकिन चर्चा बहुत कम हुई, मिनिमल हुई। एक आध दो पोर्टल्स ने डाला है, थोड़ा बहुत शेयर हो गया है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसको, ऐसे इशूज को कब नेशनल इशू बनाया जाएगा। अब लोग सोच रहे होंगे कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप अगर सोच और मेंटालिटी की तरफ जाएं तो भारत में भारत की चीजों के खिलाफ कुछ हो रहा है। आप समझिए इस चीज को, ये एक इंटेलेक्चुअल टेररिज्म जैसा ही है। आप किसी देश की सभ्यता के अगेंस्ट जाके कुछ कर रहे हैं। अगर वो औरत उस कपड़े में आई है, ऐसा तो है नहीं कि बहुत एक्सपोज कर रही है या न्यूडिटी फैला रही है, वो उस एथनिक कपड़ा पहन के आई है, वो पैसा दे रही है, लेकिन आप उसको सिर्फ अपनी पॉलिसीज के हिसाब से, खैर जो रिसेप्शनिस्ट था उसकी गलती नहीं थी, उसने अपनी पॉलिसी के हिसाब से अटेंड किया, उसने मना किया कि नहीं अलाउड नहीं है। सवाल यहाँ पे ये है कि अभी तक इस मुद्दे पे गवर्नमेंट ने एक्ट क्यों नहीं किया, उस होटल के मालिक को क्यों नहीं मीडिया ने पकड़ा कि भाई ऐसा तुम कैसे कर सकते हो। दिल्ली में ही है वो चीज़, वो भारत के दिल में कोई होटल है और वो भारतीय कपड़े अलाउ नहीं कर रहा है, मतलब या तो फिर वो किसी बाहर वाले की फ्रेंचाइजी होगी, उसका 110% किसी बाहर वाले का पैसा लगा होगा। वो केस है, फिर भी वो होटल भारत की धरती पे, तो आप उस कल्चर के हिसाब से कहाँ ढलेंगे। आपने ये अलाउ ही नहीं किया कि अगला अपने ही देश में रह के अपने ही देश के कपड़ों को पहन के ना आए, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं है। मैं चाहता हूँ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, लोगों को अवेयरनेस मिले, अगर ये वायरल ना भी हो रहा हो तो वायरल हो, एक मुद्दा बने, उस होटल के मालिक तक की बात पहुंचे, वो इस चीज़ में सुधार लाए और उस औरत से माफ़ी मांगे और एक ड्रेस कोड बनाए कि एक दिन हफ्ते में ऐसा आएगा कि सिर्फ एथनिक ही पहना जाएगा, उस हद तक उसको मजबूर कर दिया जाए। जनता और सोशल मीडिया में बहुत पावर होती है, अगर ये किया जा सकता है तो ये होना चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि इस तरीके का, मतलब हम लोग कॉलोनी थोड़ी है यार ब्रिटेन की, कि कोई भी कंट्रोल करेगा अपने हिसाब से, कहेगा कि हम चाहते हैं कि आप ऐसे कपड़े में आएँ, हम चाहते हैं कि आप ऐसे कपड़े में ना आएँ। जैसे पहले था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, पहले कई मूवी में दिखाया हुआ है, तो आप ऐसे कह देंगे इंडियन ड्रेसेस आर नॉट अलाउड, तो ये तो एक एक लिमिट है जो क्रॉस हो चुकी है। कोई वेस्टर्न कल्चर वाला कंट्रोल करेगा कि यहाँ पर इंडिया में कौन क्या पहन के किस होटल में जाए। खैर, इस पर एक्शन होना बहुत जरूरी है, आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, यहाँ तक आ गए तो शेयर जरूर करिएगा। अगर आप एक मीडियम बन सकते हैं इसको रोकने के लिए और अगली बार आपका ऐसा हाल ना हो, एक तरीके से इंसल्ट हो गई उस लेडी की, चाहे तो डिफेमेशन केस कर सकती है कि आप लिटरली मुझे अंदर आने से रोक रहे हैं, और ऐसी फालतू सी बात पे, उसके ईगो पे बात आ सकती है भाई कि मैंने क्या कपड़ा पहना है, मैं कुछ इलीगल काम नहीं कर रही। लेकिन खैर, जनता चाहे तो मजा चखा सकती है और ये दिल्ली वाले चाहें तो फिर बहुत कुछ कर सकते हैं। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।